करवा चौथ का व्रत एवं विधि। सुहागिन माता बहनों का यह प्रमुख व्रत है जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्यौहार की भांति आता है। अमीर गरीब सभी जाति वर्ग और हर आयु की नववधु से लेकर वृद्धा सधवाएँ यह व्रत अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से करती हैं। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं किया जाता। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन करके अर्घ देने और पूजा करने के बाद पूड़ी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कंठा से प्रतीक्षा करती है, जो इस दिन विलम्ब से होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवा से उदय होने पर चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चीनी खाड़ के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बने मिलते हैं। ये खाड़ के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई फल वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ रखा गया है। यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से प्रायः सधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस व्रत की विधि। स्नान आदि के पश्चात प्रातःकाल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दीवाल पर भीगे चावलों में हल्दी डालकर पीसकर बनाए ऐपन से करवा चौथ माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा चित्र भी उपलब्ध होता है। इसमें ऊपर चंद्र और सूर्य, करवा माता, शिव भगवान, कार्तिकेय, गणेश देवता, सात भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा एक भाई, चलनी से दीपक दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरानुगत चित्र बने होते हैं। प्रायः परिवार और पास पड़ोस की महिलाएं एकत्र होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजा करती हैं और सामयिक गीत भी गाती हैं। इस पूजा में लकड़ी के एक पट्टे पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव के प्रतीक रूप में भी प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इनका पूजन अर्चन चंद्रोदय से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर के करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी सुनी जाती है। नववधुएं पीहर से आई हुई समस्त वस्तुएं वहां रखती हैं और पूजन के पश्चात बायने के रूप में अपनी सास जेठानी आदि को देकर आशीष भी प्राप्त करती हैं। चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चंदा निकल आया, तब सुहागने चंद्र दर्शन कर उसे अर्घ देती तथा पूजा भी करती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुठारती हैं, अर्थात कुछ खाकर अपना मुख जूठा करती हैं। इसके बाद मिल बैठ करके पूड़ी पुआ पकवानों को सभी परिवारजन खुशी से खाते हैं। करवा चौथ के पूजन की सामग्री। मिट्टी का बना करवा, धातु तांबा पीतल स्टील का करवा, खाड़ के करवा, लकड़ी का पट्टा, स्वच्छ पीली मिट्टी, प्रतिमाएं बनाने को रोली, चावल, ऐपन, दीपक, घी, रुई बत्ती, कपूर, धूप बत्ती, दिया सलाई, फूल माला, पान, मौसमी फल, बतासे, पेड़ा अथवा मिष्ठान, गंगा जल तथा पीला लाल वस्त्र बिछाने के लिए सुहाग की वस्तुएं इच्छा अनुसार। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी की लहर छा गई। अब भाई बहन मिल करके भोजन बैठ करके करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए। सब पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक भूखी कैसे रह सकेगी। उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे
दीपक रखकर उसके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली भाली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशकुन के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब ससुराल तक पहुंची, तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियाँ मिलें उनके पाँव जरूर छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करते जाना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और वह गुमसुम सी एक ओर बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास लाकर के बिठाया। कुछ देर बाद वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से इस व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करेंगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती थी। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु आप सब आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना बिल्कुल सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कह करके उठकर बैठ गया और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि विधान पूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ व्रत का हंसी खुशी से किया करती थी। हे माता करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। करवा चौथ की व्रत कथा दूसरी कहानी। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कभी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो तुम क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु तो शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? धर्मराज उसकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो, हे पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि
श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिने अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पति व्रत धर्म भी धन्य हुआ, जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्राप्त करें। करवा चौथ की तीसरी कहानी। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह व्रत अनुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देख करके पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें तथा उन्हें सुहागिन भी रखे। तब श्री शंकर भगवान ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार के सुख संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्ति कराने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें चार पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उसकी भूख को जगा दिया। उसे भूखी और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ से नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन कराने बैठी थी तो उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आई। वह चीत्कार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बातें करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था, दूसरे स्त्रियों को ऐसी तीखी बातों से उसका मन इतना विवल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह बिलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी स्मशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक लिया और बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हें भाइयों ने बुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो गया है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां उसे बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छा गई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियों ने अगली करवा चौथ व्रत आने पर विधिपूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधिपूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है, तुम करवा चौथ व्रत को विधिपूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त हो पाओगी।